हेलो स्टूडेंट, वी वॉम वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस एंड स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों को जो है वो लिटरेचर में, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और बहुत बच्चे बोल भी रहे थे कि मैम आप दोबारा से स्टार्ट करिए। तो ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है। अगर आपको ये सारे टॉपिक ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लग रहा है आपको कुछ पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। तो सबसे पहले जान लेते हैं सेंटेंस क्या है। इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, क्या दिख रहा है? बर्ड दिख रहा है। और बर्ड क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। तो हम किस तरह से इसको बोल सकते हैं? द बर्ड इज़ फ्लाइंग, क्योंकि इसका जो एक्शन है अभी कंटिन्यू है ना। टेंस में मैं आऊँगी बच्चों, मैं एक एक चीज़ आपको बहुत डिटेल से बताऊँगी। और ये जो ग्रामर सीरीज़ है ना, ये कंटिन्यू, इसके बहुत सारे चैप्टर आएंगे, आई थिंक 50, मोर देन 50 मे बी। तो आप बने रहिए, लाइफ में आपको दोबारा ग्रामर सीखने की तो नीड नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो सेंटेंस, जैसे हमने यहाँ पर पिक्चर में क्या देखा, हमने पिक्चर में देखा कि जो बर्ड है वो क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। तो हम किस तरह से बोलेंगे उसको? द बर्ड इज़ फ्लाइंग। अब हम इसको डेफिनेशन पूछे कोई कि है क्या सेंटेंस, किस तरह से अपने विचार को, अपने व्यूज़ को हम दूसरों के सामने बताएं कि हाँ हमने ये सीखा है। हम बोलेंगे अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। तो सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड। मैंने एक वर्ड नहीं, मैंने कुल मिला के कितने वर्ड यूज़ किए? फोर वर्ड यूज़ किए। तो जब मैंने फोर वर्ड यूज़ किए तो हम क्या बोलेंगे उसको? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। इसका एक अर्थ था, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड तो लिया मैंने, लेकिन इसका एक अर्थ भी था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यही जो मैंने सेंटेंस है उसको मैं कुछ इस तरह से लिख देती हूँ, इज फ्लाइंग द, ये भी तो फोर सेंटेंस है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट विच कैन नॉट मेक कम्प्लीट सेंस। ये जो है ये पूरा सेंटेंस का अर्थ नहीं बना सकता है ना, ये बना ही नहीं पा रहा है ये। तो जिस कारण हम इसको क्या है, सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड होने चाहिए, लेकिन साथ में उसका एक सेंस, इसका एक अर्थ भी होना चाहिए। समझ में आया आपको? चलो बढ़ते आगे। तो देखिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जब भी हम बात करते हैं, बोलते हैं, तो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, और ये वर्ड्स जो होते हैं वो ग्रुप में होते हैं। तो हमने इसका डेफिनेशन क्या बनाया कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, ठीक है। जैसे लिटिल जैक कॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर, तो ये आपने पोइम भी पढ़ी होगी, ठीक है। अगर यही हम उल्टा लिख देते, सेम वर्ड ऊपर भी है 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इसका एक मीनिंग है और इसका मीनिंग नहीं है कि हम ग्रुप ऑफ वर्ड तो लेंगे, लेकिन उसका एक सेंस भी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चले आगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी, और ये पढ़ा हमने कि हम ग्रुप ऑफ वर्ड लेंगे और इसका एक सेंस या मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप जो होना चाहिए वर्ड्स का, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। दूसरी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि एवरी सेंटेंस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, और सेंटेंस ऑफन एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, ठीक है। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है होता है हमारा, वो किससे क्लोज होता है? इंटरोगेटिव या फिर क्वेश्चन मार्क्स से, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपको? अब वीडियो पॉज करके आप लिखना चाहो आप लिख भी सकते हो। तो चलिए एक रेसिपी बना लेते हैं खाने पीने की चीज़ों की। सोचा होगा आपने, दिमाग में आया होगा कि मैम क्या रेसिपी बता रही है, रेसिपी तो अभी तक हमने खाने पीने की बनाई थी, लेकिन आज हम बनाएंगे सेंटेंस की रेसिपी। चलिए बनाएं। तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए? एक नेमिंग पार्ट, अ टेलिंग पार्ट, अ कैपिटल लेटर एंड एंड मार्क, ठीक है, समझ में आया। अब ये क्या होते हैं नेमिंग पार्ट, ये टेलिंग पार्ट, ये सब्जेक्ट होता है, टेलिंग पार्ट प्रिडिकेट होता है, कैपिटल लेटर, ठीक है, एंड एंड मार्क जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फुल स्टॉप बताया, ये सब चीज़ें जो है सब्जेक्ट प्रिडिकेट, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी आपने अपने सेंटेंस की रेसिपी कलेक्ट किया, क्या क्या चाहिए आपको? अ नेमिंग पार्ट लिया आपने, अ टेलिंग पार्ट, अ कैपिटल लेटर एंड एंड मार्क लिया आपने। तो चलिए सबसे पहले क्या करना, स्टेप 1, स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर,
आप जो भी लिखोगे सबसे पहले सेंटेंस का पहला लेटर जो होगा वो कैसा होगा, कैपिटल लेटर होगा, समझे आप। स्टेप टू, अब क्या हुआ, कंबाइन द नेमिंग एंड टेलिंग पार्ट, वही जो भी हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे अब उनको कंबाइन कर देना है, कर दिया कंबाइन। और स्टेप थ्री, फिनिश विद एन एंड मार्क, अगर आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, अगर आपके सिंपल स्टेटमेंट है तो आप फुल स्टॉप लगाइए, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि किसमें क्वेश्चन मार्क लगाएं या फुल स्टॉप किसमें आएगा, तो जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तो वो सब आएगा, और आई होप बहुत सारे लोगों को आपको पता भी होगा, ठीक है। स्टेप फोर, अब लास्ट में हमारी डिश पूरी तरह से रेडी हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, हम गार्निश करते हैं। तो अब इसमें हम गार्निश किससे करें, अपनी क्रिएटिविटी से, और किससे करेंगे, गुड हैंड राइटिंग स्किल होनी चाहिए आपकी, ठीक है। आपने क्या लिखा है समझ ही नहीं आ रहा है किसी को, तो ऐसा लिख के भी क्या मतलब, गुड हैंड राइटिंग होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, आपकी जो वोकैबुलरी है, ठीक है, आपकी जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आप सिंपल तरीके से भी आप अपनी बात कह सकते हो, और अगर आपकी एक स्ट्रांग वोकैबुलरी है तो आप एक इफ़ेक्टिव तरीके से भी अपनी बात कह सकते हो। तो आई होप ये पार्ट जो है चैप्टर वन द सेंटेंस आपको समझ में आया होगा, और ये जो हमने रेसिपी बनाई सेंटेंस की ये भी आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। मिलूंगी मैं आपसे कल एक नेक्स्ट पार्ट के साथ, और नेक्स्ट पार्ट मैंने बताया ना आपको हमारा सब्जेक्ट एंड डेडिकेट होगा। तो थैंक यू सो मच।